हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंडित युगवीर जैन। आज के हमारे इस फ्री कुंडली के सेशन में हमने आर पांडे जी के बच्चे की कुंडली ली है, तो इन्होंने हमें प्रयागराज से कांटेक्ट किया है। तो इनके ये 8 साल का बच्चा है और इनका सवाल है कि भविष्य कैसा होगा और पढ़ाई कैसी होगी। देखिए, पहले तो कन्या लग्न का चार्ट है बच्चे का। लग्न का मालिक जो है वो लाभ स्थान में बैठा है, तो ये बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, बहुत ही बुद्धिशाली होगा, बहुत ही दिमाग वाला होगा। और साथ में सूर्य भी है, तो यहाँ पर बुधादित्य योग भी सूर्य बुध का बन रहा है। तेजस्वी होगा बच्चा, तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा, स्मार्ट होगा, शार्प माइंडेड होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा योग है और वो भी लाभ स्थान में बन रहा है, यानी वो लाभवान भी होगा। बुध वहाँ पर शत्रु क्षेत्री बैठा है, इसलिए थोड़ा सा डीले से, थोड़ा हार्डवर्क से, थोड़ा स्ट्रगल से दिलाएगा, लेकिन बहुत फ़ायदा दिलवाएगा। लग्नेश लाभ स्थान में जिस तरह गया है, तो जातक को, व्यक्ति को बहुत लाभवान बनाता है। यानी ऐसा इंसान जिंदगी में अनेक प्रकार के उसको लाभ होते रहते हैं, चाहे वो इनकम में हो, बचपन में हो, बड़े होने के बाद हो, उसे जगह जगह से फ़ायदे मिलते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है। और साथ में गुरु भी उच्च का है वहाँ पर लाभ स्थान में, तो उच्च का ग्रह लाभ स्थान में आने पर एक, और वो भी सूर्य जैसे एक ओहदे वाले ग्रह के साथ है, और वो 12वें घर का मालिक सूर्य के साथ गुरु उच्च का है लाभ स्थान में, तो जन्म स्थान से दूर फॉरिन जाने के भी योग बनेंगे। तो इस तरीके से ये कुंडली काफ़ी पावरफुल बन रही है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो जो अगर बच्चे के लग्न की और एक बार बात करें, तो वहाँ पे चंद्रमा भी है जो कि लाभेश है। तो देखा जाए तो 1/11 का परिवर्तन योग बना है, जो भी इंसान को इनकम के मामले में बहुत लकी बनाता है, लेकिन बुध चंद्र का परिवर्तन योग कभी कभी इंसान को जिद्दी बनाता है। और कभी कभार, यानी वो हर वक्त इतना गुस्से वाला नहीं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ऐसे व्यक्ति को। जब बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो फिर वो व्यक्ति अपना नुकसान भी कर लेता है। साउथ में बुध चंद्र के संबंध को पिशाच योग कहा जाता है, सद्दाम हुसैन की कुंडली में भी था, लेकिन ये हमेशा, इसे डरने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन इतना जरूर जानना है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तब इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, उसने अपनी अच्छी नौकरी छोड़ दी, अपने लोगों को छोड़ दिया, मतलब कभी कभी गुस्से में ऐसे डिसीजंस लेता है। तो बचपन से उसको प्यार से अगर लेके चलेंगे तो वो चीज़ डाइवर्ट हो जाती है, वो कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन चंद्र के साथ राहु जो ग्रहण योग है, उसके लिए, उस ग्रहण योग की वजह से बच्चे के छोटे मोटे स्वास्थ्य के संबंधी थोड़ा बहुत चिंता आ सकती है समय के साथ। वो भी कोई मेजर चीज़ नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ भी आता है तो शिवजी की खास आराधना कराइए, अभी से ही चालू करा दीजिए, तो आने वाले समय में भी ज़्यादा परेशानियाँ ना हो किसी भी तरीके की। चिंता वाला कोई भी योग यहाँ पे बन नहीं रहा है, डरने वाली कोई बात नहीं है। धन भाव में अगर हम बात करें तो धन स्थान का मालिक है शुक्र और 10वें भाव में मित्र के घर में बैठा है। व्यापार के भाव में धनेश का संबंध हुआ है, तो धन स्थान का मालिक जब 10वें भाव में बैठता है और वो अपने मित्र बुध के घर में बैठा हुआ है, व्यापार से इंसान बहुत पैसा कमाता है। यानी ऐसा इंसान आजीविका से, चाहे वो नौकरी क्यों ना कर ले या बिजनेस कर ले, कुछ भी कर ले, ऐसा इंसान अपने क्षेत्र में नौकरी में भी बहुत टॉप तक जाता है, और अगर बिजनेस करता है तो उसमें भी बहुत टॉप तक जाता है। और 10वें घर का मालिक भी लाभ स्थान में है, तो व्यापार का मालिक भी अच्छा है, तो आजीविका भी बच्चे की अच्छी हो गई। एजुकेशन का आपका सवाल था, भविष्य का मैंने जनरल बताया। आज एजुकेशन का आपने पूछा, 5वें घर का मालिक, एजुकेशन का मालिक शनि सेकेंड हाउस में उच्च का है, लेकिन वो अपने शत्रु मंगल के साथ है, लेकिन उच्च का होने के कारण बच्चे का एजुकेशन अच्छा होगा, और गुरु भी उच्च का है बच्चे का, तो एजुकेशन अच्छा होगा, लेकिन विद्या भवन पर उसकी नीच की दृष्टि है। तो थोड़ा सा जो शनि के मंगल की युति है, शनि के साथ जो मंगल की युति है उसके लिए, और गुरु की जो विद्या भवन भी नीच की दृष्टि है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको बच्चे को ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो होशियार तो बहुत होगा, अच्छे मार्क्स भी लाएगा, पास भी होगा, अच्छी पढ़ाई भी करेगा, लेकिन कई बार उसका दिमाग भटक जाएगा, खेलने में लग गया, दोस्तों के साथ लग गया, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो उसे उसके रिजल्ट्स पे थोड़ा असर हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा उसे मोटिवेट करके थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे तो कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। और सरस्वती माता का बच्चे को बचपन से, अभी से ही उनका थोड़ा सा कोई स्तोत्र पढ़ा दीजिए, ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा, उसको अभी से सरस्वती माता का आशीर्वाद लेने की आदत डालिए। तो बुध गुरु का सरस्वती योग बन रहा है, गुरु उच्च का है, तो बच्चा बहुत ही लाइफ में एजुकेशन से बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगा, इनकम भी अच्छी कमाएगा, बड़ी पोस्ट पर भी जाएगा, बड़े ओहदे पर भी बैठेगा। 7वें घर में केतु है, तो शादी के टेस्ट से पहले कुंभ विवाह की विधि करवानी जरूरी होती है, नहीं तो थोड़ा सा शादी में दिक्कतें देता है। तो ओवरऑल में कुंडली बच्चे की काफ़ी अच्छी है, लक्की बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, तो इसको जिस तरीके से आपको जो छोटे मोटे जो उपाय बताए वो आप करवा लीजिए, बाकी सब अच्छा है। ठीक है, तो इन्होंने प्रयागराज से हमें कॉन्टैक्ट किया था, आर पांडे जी हैं। चलिए, धन्यवाद। ऐसी फ्री कुंडली हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। जिन्हें फ्री में दिखाना है वो यूट्यूब पर कमेंट करिए, और व्हाट्सएप पर अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो वहाँ पर फीस होती है। भारत समेत अनेक देशों से लोग कुंडली दिखाकर अपनी समस्याओं का समाधान हमसे पिछले कई सालों से प्राप्त कर रहे हैं, और ओरिजिनल जेम स्टोन्स, रुद्राक्ष, गवर्नमेंट लैब के सर्टिफिकेट के साथ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाते हैं। वीडियो में आपको वेबसाइट भी बताई गई है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।